तो ये हमारा सवाल रहता है, तो हम बताएं कि सबसे पहला स्टेप क्या है। तो जब भी हमको प्रोजेक्शन व्यू बनाना है तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना रहेगा। तो हम लोग सेट स्क्वायर से कैसे कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे उसकी हम जानकारी यहाँ दे रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप कोऑर्डिनेट प्लेन अगर अच्छा से बना लेते हैं तो दो नंबर इसमें फिक्स है, दो मार्क्स आपको इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा से बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट बनाना है तो कोऑर्डिनेट का मतलब हम समझ रहे हैं कि जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह से है, चतुर्थांश, यानी आपका 360 डिग्री पूरा हो गया तो उसका चार भाग करेंगे तो 90-90 चार पार्ट में होगा। यानी पूरा राउंड अगर हम ले लेते हैं सर्किट तो उसका चार पार्ट करेंगे तो वो होगा। तो हम लोग सेट स्क्वायर से कैसे बनाएंगे इसके लिए आप यहाँ से देखिए। तो ये हमारा आपका सेट स्क्वायर है। अब हम लोग लाइन पारना है तो आप अपना सुविधा अनुसार भी बना सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा पेज बीच में है, ड्राइंग शीट पेपर है, इसको हम बीच में यहाँ से रख लिए। सबसे पहले आप यहाँ से ऐसे रख लिए तो ये इतनी सीधा रखना है जी। जब तक आप सीधा नहीं रखे तब तक काम सही से नहीं होगा। तो ये हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से रख करके ये सीधा है, इसको अच्छे से पकड़ लेना है, हिलना डोलना नहीं चाहिए। आप ये देखिए हम तीनों में से आप पकड़ लिए, ये लाइन पे यहाँ से ऐसे पार, ये लाइन को जब ड्रा किए ये लाइन हमारा ड्रा हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे हम लगा लेते हैं बीच में, ये हमारा बीच में लगा लिए। अब बीच में लगा लिए तो इसको हम यहाँ से ऐसे लगा लिए और लगा करके ये लाइन को जो है ये इधर से हम लोग ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह से जो है ये लाइन हमारा यहाँ से यहाँ ड्रा हो गया। तो ये देखिए अच्छा से रखा हुआ है, ये लाइन को हम यहाँ से यहाँ ड्रा कर लेंगे। ये लाइन को यहाँ से ड्रा करेंगे तो ये यहाँ तक चलेगा और ये इस तरह से है। ये देखिए ये हमारा इधर से इधर हो गया हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। अब हम क्या करते हैं कि जब इसमें हम लोग 10 यानी 10 एमएम इधर भी छोड़ देते हैं और 10 एमएम इधर भी हम छोड़ देते हैं, यहाँ से 10-10 एमएम जो है ये दोनों तरफ छोड़ देते हैं यहाँ से, और ये 10 एमएम जो है ये आपको इधर से भी छोड़ देते हैं। यहाँ से नाप लेंगे, यहाँ से आप 10 एमएम नापिएगा तो ये हमारा जो है यहाँ से 10 एमएम जो है यहाँ आ गया, और फिर यहाँ से हम लोग 10 एमएम नापेंगे तो यहाँ आ गया। इसी तरह से ऊपर भी हम नाप लेते हैं चारों तरफ से। ये 10-10 एमएम लेना है, आप अच्छा से अपना स्केल से नाप लीजिएगा और इसके बाद आप जो है काम कीजिएगा। ये देखिए तो यहाँ से 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10। अब इस पर आपको पहला नट गुजारना है या खींचना है तो कैसे खींचेंगे, पहले हम यहाँ को सेट कर लिए। तो जब यहाँ से हम सेट करें तो ये देखिए इसको हम पूरा अच्छा से रख करके मिला लिए, ये पूरा अच्छा से मिल गया। अब ये सेट स्क्वायर आप इधर भी लगा सकते हो या इधर भी लगा सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पेज रखते हैं इधर जगह नहीं रहता, इधर जगह है तो आप इसको भी इधर लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी लगाएगा। हम क्या करते हैं कि इधर से इसको हम यहाँ से लगा देते हैं। तो जब यहाँ से हम लगा लेंगे ये वाला पूरा अच्छा से रख दिए और ये यहाँ से सेट कर दिए। अगर ये हम नहीं सेट करेंगे तो ये वाला यहाँ पर जो हम ला करके पहला लाइन सही से नहीं खींच सकते हैं। अगर बिना सेट के खींचेंगे तो टेढ़ा खींचाएगा, सही नहीं खींचाएगा, तिरछा खींचा सकता। तो यहाँ से जब इसको हम रख लिए ये यहाँ से रखा गया ऐसे, फिर यहाँ से इसको लगा लिए और इसको हम पूरा अच्छा से पकड़ रहे हैं, इसको हिलना नहीं चाहिए तो इसको हम अच्छा से पकड़ लिए पूरा अच्छा से यहाँ से। आप देखिए तो पूरा हो गया। अब यहाँ से जब हो गया तो यहाँ से देख लिए इसको हम यहाँ से इसको बढ़ा दिए, स्लाइड किए तो लाइन यहाँ से इस तरह से खींचाया, और फिर इसको नीचे स्लाइड किए यहाँ से, तो ये यहाँ से नीचे स्लाइड करेंगे तो ये यहाँ से हम लोग स्लाइड यहाँ से करेंगे, यहाँ से हो गया वो। इसके हम लोग यहाँ से भी हम लोग ड्रा कर देते हैं, ये लाइन भी हमारा है, ये यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से ड्रा कर देते, ये हो गया। ये थोड़ा सा हम लोग लाइन है सबको हम बराबर कर लेंगे यहाँ से, यानी हम लोग जो है थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं ताकि सब बराबर रहेगा तो देखने में अच्छा रहेगा, और ये हमारा यहाँ तक हो गया। ये देखिए ये हो गया। तो यहाँ से आप अब इसका काम करना है इसको, तो यहाँ से ये हो गया और इसके बाद यहाँ से ये हो गया, यहाँ से इसको रख दिए। अब रख करके आप यहाँ भी लगा सकते हैं इसको, यहाँ भी लगा सकते, इसको किसी तरह से लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हमने यहाँ से ऐसे लगा दिया, ये पूरा अच्छा से रखा गया। यस सर। इसको पूरा अच्छा से पकड़ लिए, पकड़ करके इसको हम ढीला अच्छा देते हैं, स्लाइड करते हैं, यहाँ से स्लाइड किए तो लाइन यहाँ से इस तरह से खिंचाया, ये लाइन इस तरह से खिंचाया। तो इसको हम लोग जो है थोड़ा सा सही से खींच लेते हैं तो ये यहाँ से लाइन खिंचाया, और फिर इसको आप देख रहे हैं यहाँ से, तो फिर यहाँ से हम लोग आगे इसको बढ़ा रहे हैं और ये यहाँ ले रहे हैं। तो यहाँ से इसको लाइन को हम लोग यहाँ से ड्रा करेंगे, ये लाइन को यहाँ से ड्रा करेंगे,
तो इस तरह से हो गया, ये भी सारा लाइन जो है थोड़ा हम लोग इक्वल कर लेते हैं ताकि हमारा जो है बनाने में सुविधा हो। तो ये हमारा इतना हो गया, ये लाइन तो थोड़ा सा कम है तो इसको हम यहाँ से रखकर उठा लेते हैं, ये भी हो गया। तो ये हम लोग देख लिए, ये चार कोऑर्डिनेट बना, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया और ये थर्ड फोर्थ हो गया, एक दो तीन चार। अब ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है प्लेट ये बना, इसी में टॉप फ्रंट चार्ट बनाना है। तो आपको कोऑर्डिनेट इसी तरह से बनाना, स्ट्रेट स्क्वायर की सहायता से पेज के बीच में बनाइएगा, जब तक आप इस तरह से नहीं बनाएगा आगे आप फिगर टॉप फ्रंट चार्ट नहीं बना सकते। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरा जो हमारा है कोऑर्डिनेट प्लेन बनाने के लिए सीख गए होंगे, ये चार पार्ट में कैसे बांटे ये भी सीख गए होंगे, ये दस रूप कैसे पढ़ना ये सीख है, और स्ट्रेट स्क्वायर कैसे प्रयोग करना ये भी जान गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्रिएट प्रॉब्लम होता है या समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इतना कंप्लीट कीजिए, इसके बाद अगला जो है पढ़ाई होगा। इसके बाद अगला वीडियो में आप देखिएगा कि हम टॉप फ्रंट साइड कहाँ कहाँ बनाएंगे इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।